मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर एवं डीआईजी राजेश जी मोदक ने सोमवार को जिले में मिले पहले कोरोना पॉजिटिव मरीज के गांव हाटा बुजुर्ग का निरीक्षण कर गांव को पूरी तरह से सैनिटाइज करने तथा गांव में आने व जाने वाले रास्ते को पूरी तरह सील करने के निर्देश दिए और कहा कि 3 किलोमीटर एरिया को भी सील कर दिया जाए। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने वहाँ उपस्थित उप जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि गाँव में ही लोगों को सब्जी दवा व राशन उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए तथा तहसील में एक अलग से कंट्रोल रूम की स्थापना किया जाए। उन्होंने अपर निदेशक स्वास्थ्य एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया कि गांव में प्रत्येक घर के लोगों को स्वास्थ्य जांच कराया जाए। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा कि हम लोगों का यही प्रयास हो कि इस संक्रमण को हम लोग यहीं पर रोक दिया जाए और सभी लोग भी सावधानी रखें। इस अवसर पर सीओ बासगांव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। 108 में रख के आ जाए या कैसे भी आ जाए, एक सिस्टम हो जाए जिससे इनको दवाएं मिल जाए, क्योंकि किसी की भी दवा नहीं रुकनी चाहिए, वो बहुत बड़ा संवेदनशील काम है। तो उसमें कुछ ऐसा सिस्टम कर दिया जाए हो जाए जिससे इनको दवाएं मिल जाए, क्योंकि किसी की भी दवा नहीं रुकनी चाहिए, सिस्टम कर दिया जाए। और एक ये सिस्टम माइक से कल सुबह आप लोग अनाउंस करा दीजिए इसमें कि एक समय तय कर दीजिए दिन का जी, और मोबाइल नंबर उनको बता दीजिए। 10 मोबाइल नंबर SDM साथ ही सब अरेंज करा देंगे। 10 मोबाइल नंबर जिनके मेडिकल स्टोर वाले हैं उनके वो दे देंगे, उन पर वो बोल देंगे हमें ये चाहिए हमें। एक लड़का रहेगा जो वो दवाएं लेगा, ये आपका वॉलंटियर होगा, गांव के बाहर तक दे देगा, ये आपका वॉलंटियर होगा जो लाएगा, गांव के बाहर तक ही देगा, वो अंदर नहीं घुसेगा, बाहर जाएगा। यहां से आपका फिर जाके वो दवाएं लेगा, देगा और पैसे लेके उनको देगा। पैसा जो भी पैसा नोट होगा वो भी सब सैनिटाइज होगा जी, तो वो व्यवस्था यहाँ करनी होगी। उसके साथ इसको बहुत छोटी सी भी गलती महज, बाकी सब्जी की क्या व्यवस्था है सब्जी की सर, वो गाँव के अंदर